जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, सभी वानर सेना अपने अपने कम्मों में व्यस्त थे। तभी श्री राम जी ने देखा एक गिलहरी आसपास कूद रहा है। फिर उनको लगा कि ये कहीं किसी वानर के पैर के नीचे ना आ जाए, तो उन्होंने उस गिलहरी को पास बुलाकर अपने हाथों में उठा लिया। फिर पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? अगर किसी वानर का पैर तुम पर पड़ गया तो तुम मर जाओगी। तब गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मुझे भी आपकी सेवा करनी है और इस राम सेतु को बनाने में मदद करनी है। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि इतनी बड़ी बड़ी शिला ला सकूं, तो मैंने सोचा कि मेरे प्रभु श्री राम की चरण बहुत कोमल है, जब वह इस पर चलेंगे और इस पर पड़े कंकड़ पत्थर उनके चरणों में चुभेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैंने पानी में कूदकर अपना शरीर को गीला किया ताकि मैं थोड़ी रेत उठा सकूं अपने शरीर पे लपेटकर, और उस रेत को उस कठोर कंकड़ पर डाल दूं ताकि आपको कोई कष्ट न हो उस पर चलते वक्त। यह सुनकर प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए और उसे कहा कि मुझे नहीं पता था तुम्हारा शरीर ही कोमल नहीं है, तुम्हारा दिल भी बहुत कोमल है, तुम्हारा शरीर ही सुंदर नहीं है, तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है। तब प्रभु श्री राम ने गिलहरी के शरीर पर हाथ फेरा, इसलिए उसके शरीर पर उनकी तीनों उंगलियों के निशान आज तक है। फिर वही दूसरी ओर रावण सीता जी को प्रसन्न करने में लगा था, कई प्रयास करके थक गया तो मंदोदरी बोली, स्वामी आप इच्छा के अनुरूप किसी भी व्यक्ति का वेश धारण कर सकते हैं, तो एक बार राम का वेश धारण कर सीता के सामने जाएं, सीता अवश्य आपको मिल जाएंगी। फिर रावण बोलता है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, मैं जैसे ही राम का वेश धारण करने के लिए उनका ध्यान करने लगता हूँ तो मुझे समस्त नारी जाति माता दिखाई देती है। डर सीता को प्राप्त करने के पीछे अपनी स्त्रियों को भी खो देने का डर मुझे सताता है और घबराहट में मैं ध्यान छोड़ देता हूँ। जिसके रूप का ध्यान करने मात्र से रावण का मन इतना पवित्र बन सकता है, वह स्वयं कितना पवित्र अंतकरण वाला होगा। आपको एक बात पता है हनुमान जी, बुद्धिजीवी क्यों माना जाता है बताता हूँ, चलो पहले सब्सक्राइब कर दो। दरअसल राम राम लिखने पर पत्थर तैर तो रहे थे पर इधर उधर बह रहे थे। इनको जोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक पत्थर पर रा तो दूसरे पर एम लिखने लगे तो इससे पत्थर जुड़ने लगे। फिर उसी तरह सेतु पुल बनाने का काम आसान होता गया। सब्सक्राइब नाउ।